हेलो एवरी वन ऑल वन सेकेंड दिस इज वीर शाह फ्रॉम ट्रिपल आई एम एंड जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल आई एम इज़ ऑलवेज नोन फॉर टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड हमारा यही प्रयत्न है हमारा यही एफर्ट रहता है कि क्या हम लोग आपके लिए कुछ नया कर पाए और आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाओ आपकी कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है तो हम लोग कैसे उस तर, उसको सॉल्व कर पाए और आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाओ सो दैट इज़ अवर ट्राई एंड uh, उसके लिए हम लोग बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या नया आपके लिए लेकर आ जाए तो अभी तक आप लोगों ने ट्रिपल एम के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज़ देखे होंगे जिसके अंदर हम लोगों ने बनाया था हैश टैग आस्क ट्रिपल आयम जिसके अंदर हम लोग आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व आउट करते थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट न्यूज़ का भी एक अलग से चैनल चल रहा है उसके अलावा एक और हमारा सीरीज था विच वॉज नोन एज अ हैश टैग नो माई प्रोडक्ट सीरीज जिसके अंदर हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में वर्कआउट करके आपको बता रहे हैं और अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट के वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हैं और लोगों का जो अप्रिसिएशन है लोगों के जो थैंकफुल कमेंट्स uh, है वो भी उसके अंदर बहुत सारे आ रहे हैं एंड द पीपल आर एक्चुअली गिविंग अस द थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट वी कैन से एक एक वीडियो के अंदर 500 500 700 700 प्रोडक्ट्स के लिस्ट हमारे पास पड़े हुए हैं सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट वी विल कम बैक विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट सीरीज एज वेल विद अ डिफरेंट प्रोडक्ट वर्कआउट लेकिन आज हम लोग कुछ नया शुरू शुरू करने के लिए जा रहे हैं जहां पे हमें ये भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी या जो हम लोगों ने देखा कि द पीपल अराउंड यू नो द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स की जो डिमांड कर रहे थे कि उनको ये आइडिया नहीं लग रहा है कि मेरे स्टेट्स के अंदर क्या क्या अवेलेबल है जो मैं इजिली अवेलेबल है और मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ सो हाउ वी कैन वर्क आउट ऑन द स्टेट्स डिफरेंट सो आज हम लोग एक नया सीरीज लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं विच इज हैश टैग नो माई स्टेट तो इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर आप बैठे हो अकॉर्डिंगली यू वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट योर स्टेट्स एज वेल तो हैश टैग नो माई स्टेट्स के अंदर आज जो सबसे पहले हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया नोन एज अ राजस्थान सो उसके बारे में जब हम लोग राजस्थान के बारे में सुनते हैं या देखते हैं तो एक बहुत बढ़िया कॉर्ट या उनका जो सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी का जो सबसे बड़ा एक सेंटेंस है जो नॉर्मली वो लोग हिंदी में बोलते हैं कि पधारो मारो देश तो हमारे देश पधारिया ऐसा करके वो लोग हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और उनका कल्चर उनका ट्रेडिशन बहुत अच्छा है बहुत पुराना है सो so, राजस्थान के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज द राजस्थान स्टेट इज ऑल अबाउट जैसे हम लोगों ने देखा कि एरिया वाइज तो वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है अराउंड थ्री लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है एंड uh, अगर बाय पॉपुलेशन देखते हैं सो इट इज द सेवंथ लार्जेस्ट इंडिया का स्टेट है जहां पे हमारा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है सेवंथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन बाय हैविंग द राजस्थान अब राजस्थान का जो कल्चर है वो हम लोग देखते हैं कि वहां पे एक तो जो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है और अलग अलग हम लोगों ने जो तीन चार फेमस नाम जो हम लोगों ने सुन के रखे हुए हैं राजस्थान से जो उदयपुर है या जयपुर है तो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है और राजा रजवाड़ाओं के बड़े बड़े महल वहाँ पे है फोर्ट हम लोगों ने देखे हुए हैं तो वहाँ पे ये एक कल्चर पुराना जो है वो बहुत अच्छा है और सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत वराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स होते हैं ओके okay, सो so राजस्थान जैसे नॉर्दर्न इंडिया में है तो उसके आजू बाजू के जो स्टेट्स हैं इट इज़ बॉर्डर्ड बाय पंजाब टू दॉर्थ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश टू द साउथ ईस्ट एंड गुजरात टू द साउथ वेस्ट तो ये चार पांच स्टेट से गिरा हुआ है राजस्थान उसका जो भी स्टेटिस्टिक्स है उस स्टेटिस्टिक्स वाइज उसका जीडीपी क्या है इकोनॉमी क्या है एंड अकॉर्डिंगली वी कैन गो फर्दर की क्या प्रोडक्ट वहां पर अवेलेबल है और हम लोग एक्सपोर्ट के लिए क्या चूज कर सकते हैं सो लेट इसी द लिटल बिट स्टिक्स अबाउट दिस राजस्थान टोटल पॉपुलेशन है इसका सिक्स पॉइंट एटी नाइन करोड एज पर दी 2012 uh, जो हमारा सेंसस था जी उसका है सेवन पॉइंट सिक्सटी सेवन लैख करोड़ जी रैंक के अंदर ये ट्वेंटी नाइन सेट्स के हिसाब से सेवंथ पोजीशन पे आता है जी ग्रोथ है उसका ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन परसेंटेज पर कैपिटा इनकम है अराउंड सिक्स फाइव नाइन सेवन फोर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेवेंटी वन 71 वन पर थाउजेंड पीपल और एज अ रैंक नाइनटीन है बर्थ रेट वहाँ पे है ट्वेंटी पर थाउजेंड एंड डेथ रेट है सिक्स पॉइंट थ्री पर थाउजेंड लिटरेसी रेट अच्छा है थाउजेंड मेल्स सो टोटल जो उसका एरिया है दैट इज थ्री लैख फोर्टी टू थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर विच इज अराउंड टेन पॉइंट फोर परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल एरिया तो इंडिया के टोटल एरिया के हिसाब से वो दस पॉइंट चार परसेंट जो होता है एंड कैपिटल ऑफ द स्टेट है जयपुर तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा दैट वॉज बेसिक स्टेटिस्टिक्स अबाउट राजस्थान जयपुर उसका कैपिटल है और इसके अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें से 89 नाइन परसेंट हिंदूज़ हैं और बाकी के 11 परसेंट के अंदर बाकी की अदर जो हमारे रिलीज पीपल है वो वहाँ पे रहते हैं इसका जो कल्चर है दैट इज़ ऑलरेडी वी हैव सीन इनके ट्रेडिशनल है बहुत और वहाँ पे फोक डांसिस और फोक फूड जो हमारा बेसिकली होता है ट्रेडिशनल फूड जो होता है उसकी बहुत अच्छी परंपरा है फैमिली हमेशा अभी भी जैसे हम लोगों ने देखा हुआ है कि इंडिया uh, के अंदर भी नाउ वड इज वी आर हैविंग यू नो कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन स्टिल राजस्थान एक ट्रेडिशनल स्टेट uh, के तरह हम लोग देख सकते हैं वहां पे आज की तारीख में भी uh, सारा परिवार साथ में रहता है न्यूक्लियर फैमिलीज का वहां पे ट्रेडिशन अभी तक नहीं हुआ है रेयर uh, केसेस के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिलता है बट स्टिल द पीपल आर सो ट्रेडिशनल सो रिलीजियस एज वेल कि अपनी परंपराओं को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं फोक डांसिस के बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं राजस्थान इज़ ऑल्सो नोन फॉर देर हैंडीक्राफ्ट एज वेल और उनके फूड के अंदर जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ दाल बाटी या दाल रोटी चूरमा या मोहन थाल ऐसे अलग अलग वराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट जो उसका दाल बाटी है दैट इज़ वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट तो वो एक बहुत बढ़िया रेसिपी है तो ये सारे ट्रेडिशन और कल्चर वाइज जो हम लोगों ने देखा कनेक्टिविटी इज अमेजिंग बाय रोड बाय रेल एंड इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है वहाँ पे सो अकॉर्डिंगली डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट विद दी राजस्थान और जयपुर उदयपुर बहुत सारी सिटीज़ के अंदर अलग अलग जगहों पे आपको ये एयरपोर्ट वगैरह मिल जाएगा तो हम लोग डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर रहे हैं एक और बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि बॉम्बे दिल्ली का जो कॉरिडोर बनने के लिए जा रहा है बॉम्बे दिल्ली का जो हाईवे बनने के लिए जा रहा है विच इज़ एज अ नेशनल कॉरिडोर उसका थर्टी नाइन परसेंट पार्ट राजस्थान से uh, होता है तो दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन टू दिस एंड अमेजिंग इसके अंदर से हम लोगों को और पूरे इंडिया को बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है विच इज इट्स अ पार्ट ऑफ भारतमाला एंड द सागरमाला प्रोजेक्ट राजस्थान धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से डेवलप भी कर रहा है और बहुत बड़े रिनोमड कंपनीज ने भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पे डाला हुआ है जैसे कि uh, जिलेट ने किया हुआ है विप्रो है इन्फोसिस है uh, हॉन्डास कार्स है कोका कोला है तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड और यू कैन से वर्ल्ड रिनोम्ड कंपनीज दे हैव स्टार्टेड दर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राजस्थान एज वेल और एग्रीकल्चर राजस्थान का बहुत अच्छा है तो जो लोग भी एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं दे कैन फोकस कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं सो लेट एस सी कि राजस्थान के अंदर कौन से कौन से हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कर सकते हैं एंड इज नोन फॉर अगर हम लोग ओवरऑल लो देखें तो दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो राजस्थान इज नोन फॉर दैट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड इट सेल्फ और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग राजस्थान के अंदर ही होता है उस प्रोडक्ट का तो उसमें से एक है हिना जो हम लोग ब्लैक मेहंदी बोलते हैं या हिना बोलते हैं जो बालों में लगाने के लिए या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है सो हिना का और दूसरा है गोआरगम पाउडर ये जो दो प्रोडक्ट है गोआर्गम एंड हिना ये वर्ल्ड का सेवेंटी टू एटी परसेंटेज बनाता है राजस्थान और हिना के बारे में तो आ, सब लोगों को पता ही होगा कि सोजत करके गांव है जिसके अंदर सेवेंटी टू एटी परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ये मेहंदी बनता है और उसके आजू बाजू में बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो मेहंदी को जो रो मेहंदी होती है उसको डायरेक्टली फिर प्रोसेस करके लिक्विड या तो पाउडर फॉर्म के अंदर बना के डोमेस्टिक मार्केट या तो फिर एक्सपोर्ट मार्केट में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है सेल किया जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट गुआर गम पाउडर वर्ल्ड का एट्टी परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी डन इन राजस्थान और एट्टी परसेंटेज मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में होता है उसके इंडस्ट्रियल यूजिस अमेजिंग है इट इज़ हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस तो ये जो गुआरगम पाउडर बनता है उसको भी आप फोकस कर सकते हो बहुत अच्छे क्वांटिटी में वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और आपको नियर बाय डिस्टेंस के अंदर जो भी राजस्थान के लोग हैं या तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया किसी भी स्टेट के अंदर है लेकिन अगर आपको ये सोर्स करना है तो राजस्थान के अंदर से आपको ये मिल जाएगा लेट अस सी और कौन से कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे से हो रहे हैं ओके okay, सो so राजस्थान के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जो उनका यू कैन सी द मोनोपोली है या बहुत अच्छे से वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके अंदर है वीट पल्सीज शुगर केन ऑयल सीड्स कॉटन टॉबेको वूल एडिबल ऑयल्स बाजरा एंड स्पाइसिस सो दीज आर द प्रोडक्ट यू कैन फाउंड इन राजस्थान एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू you दैट इज राजस्थान इज also द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन नॉर्थ इंडिया पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है सारस करके एक ब्रांड है जो बहुत अच्छे से एक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर है एंड राजस्थान इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन एंड कोर्स सीरियल्स इन इंडिया सो सोयाबीन भी तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है. आल्सो यू कैन फोकस जैसे हम लोग जानते हैं कि राजस्थान इज आल्सो नोन फॉर मिनरल्स और पूरे इंडिया के बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो सिर्फ आपको राजस्थान में मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी उसका अबाउट सेवेंटी परसेंट से लेकर हंड्रेड परसेंटेज तक के वो मिनरल्स आपको राजस्थान के अंदर मिल जाएंगे सो so, अगर आप मिनरल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको अगर उसका सोर्सिंग करना है तो राजस्थान से कर सकते हैं या जो लोग भी राजस्थान में रहते हैं उनको लगता है कि दैट दे केन दिल इन दिस काइंड ऑफ द प्रोडक्ट तो वो भी एक्सपोर्ट के लिए फोकस कर सकते हैं ऑब्वियसली मिनरल्स का बहुत मल्टीपल यूज़ होता है सो दैट ऑल्सो यू कैन फोकस सो लेट एस सी द लिस्ट ऑफ दो मिनरल्स और उसका नेशनल शेयर मतलब इंडिया का कितना परसेंटेज राजस्थान के अंदर से वो आपको मिल पाएगा सो लेट एस सी द लिस्ट ऑफ मिनरल्स और उसके नेशनल शेयर हमारा कितना है सो एज वी कैन सी ऑन टू द स्क्रीन दैट इज वॉलस्टोनाइट जो होता है वो uh, इंडिया का हंड्रेड परसेंट अवेलेबल है राजस्थान के अंदर जैस्पर uh, करके है वो भी हंड्रेड परसेंट अवेलेबल है जिंक फ्लोराइट जिप्सम मार्बल एसबेस्टोज uh, या सॉफ्ट स्टोन ये आपको 87 परसेंट से लेकर 99 परसेंटेज तक के इंडिया का जो नेशनल शेयर परसेंटेज है वो राजस्थान के अंदर मिल पाएगा आपको इसके अलावा लेड कंसनट्रेट या फॉस्फेट रॉक या फिर बॉल क्ले या कैल्साइट सैंडस्टोन या फ्लैगी लाइमस्टोन और फेल्सपार वो 70 परसेंट से लेकर 80 परसेंटेज तक का स्टॉक अवेलेबल है राजस्थान के अंदर सो दैट वॉज यू कैन टारगेट फॉर माइनिंग और मिनरल्स आपको बहुत अच्छे से वहां पे मिल पाएंगे ओके okay, सो so, जो अभी तक हम लोगों ने देखा दैट इज की इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है वो बेसिकली तीन डिफरेंट और लीड इंडस्ट्री कर रही है विच इज मिनरल बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड एंड टेक्सटाइल बेस्ड पूरा राजस्थान का इकोनॉमी चल रहा है और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर बेस्ड के अंदर आपको मिल जाएगा वहां पे वीट और बार्ली और टोबेको एंड कॉटन ये सबसे ज्यादा वहां पे कल्टीवेट किया जाता है और टेक्सटाइल बेस्ड अगर हम लोग देखें तो जो पॉलिस्टर फाइबर होता है उसका वी कैन से द राजस्थान इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल फाइबर तो वो भी आप टारगेट कर सकते हो और अपार्ट फ्रॉम दैट मिनरल्स हम लोगों ने देखे कि मिनरल का बहुत अच्छा स्ट्रेंथ अवेलेबल है फ्रॉम दी एटी परसेंटेज और सेवेंटी टू हंड्रेड परसेंटेज के नेशनल शेयर जो है वो राजस्थान के पास है सो so डेफिनेटली मिनरल एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल बेस्ड ये पूरा स्टेट है तो इसके अंदर ऐसे वाले प्रोडक्ट के अंदर आप काम कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग इम्पोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट में डेफिनेटली फर्नीचर बहुत हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बहुत हो रहे हैं तो ऐसे कोई प्रोडक्ट या मशीनरीज काइंड ऑफ़ द प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर को प्रोसेस्ड uh, फूड में कन्वर्ट करके या प्रोसेस्ड प्रोडक्ट uh, के अंदर कन्वर्ट करके फिर से रिटेल मार्केट में या तो फिर डोमेस्टिक या एक्सपोर्ट मार्केट में आप बेच सकते हो सो so, ऐसे प्रोडक्ट इम्पोर्ट भी होते हैं सो ओवरऑल द राजस्थान इज नोन फॉर दैट एग्रीकल्चर मिनरल्स एंड टेक्सटाइल बेस्ड स्टेट तो ये सारे प्रोडक्ट के अंदर आप काम कर सकते हो तो so, राजस्थान से जो भी लोग हैं इनको अगर और कोई भी सपोर्ट चाहिए कोई और भी आपको क्वेरी है डाउट है जो स्पेसिफिकली आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हो या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे और जानकारी चाहिए तो हैश टैग नो माई प्रोडक्ट करके अपने प्रोडक्ट का नाम और एच एस को डाल सकते हो और अगर आपको स्टेट के बारे में जानना है सो आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन जस्ट अप बाई हैश नो माई स्टेट और आपके स्टेट का नाम लिखकर आप कमेंट के अंदर डाल सकते हो सो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गिव यू समथिंग बेटर और ज्यादा और ज्यादा किस तरीके से आपको बेहतर दे सकते हैं सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट अगर और कोई भी क्वेरी है और कोई भी डाउट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर और आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो कहीं ना कहीं आपकी क्वेरीज सॉल्व नहीं हो पा रही है सो वी आर ऑलवेज सेव फॉर यू वी विल ट्राई टू हेल्प यू और जो भी हमारे ये वीडियोज़ देख रहे हैं आप सब्सक्राइब कीजिए उसको और ज़्यादा स्प्रेड कीजिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत सारी क्वेरीज और डाउट्स आ रहे हैं और उसको भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं आंसर uh, करने के लिए एज सुन एज पॉसिबल और जो भी आपकी uh, क्वेरीज है डाउट्स है उसको यहाँ पर कमेंट के अंदर डाल दीजिए एंड वी विल भी देव फॉर यू सो थैंक यू वेरी मच फॉर बिंग विथ ट्रिपल एम थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सपोर्टिंग थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मिशन गोल्डन बर्ड जहां पे हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि चलो फिर से आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और भारत के सुनहरे दिन भारत में वापस लाते हैं लेट्स ब्रिंग दोज गोल्डन बर्थडे बैक इन इंडिया सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स डू एक्सपोर्ट